हेलो गाइस, दिस इज मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल पाथ टू सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईमेल दर खाइन। मगर शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमने अपने पिछले लेक्चर में कार्ल मार्क्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मेरी तरफ से कार्ल मार्क्स कंप्लीट हो गया है, मगर मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि जब जो भी लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद आपको आधा घंटा इंटरनेट पे उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें सर्च करनी है और नोट्स बनाने हैं लेक्चर के भी और जो आप सर्च करते हैं उसके भी नोट्स बनाने। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो सारा काम कर रहे होंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सही समय पर अपनी पढ़ाई की शुरुआत की है, ठीक है, यानी कि आप एडवांटेजेस पोजिशन में। डेली जिस तरह से मैं आप लोगों को पेपर टू पढ़ा रहा हूं, इसी तरह से आप लोगों को पेपर वन भी तैयार करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कम से कम 5 मंथ के लिए आप अपनी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर रहिए, भूल जाइए अपने फैमिली को, क्योंकि ये 5 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। और इस अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाइए। शुरुआत करते हैं इमाइल दर्खाइम की कुछ इंपॉर्टेंट बुक से। तो इनकी सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, थर्ड है सुसाइड, फोर्थ है प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सिक्स्थ है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, और सेवेंथ है सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। ये बुक्स आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। इनका जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो हम इमाइल दर्खाइम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है सोशल फैक्ट, जो कि इन्होंने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में डिस्कस किया है। इसी के साथ इन्होंने कलेक्टिव कॉन्सियसनेस का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर में डिस्कस किया है। इन्होंने दो तरह की सॉलिडेरिटीज बताई हैं, जिसमें इन्होंने प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी की और मॉडर्न सोसाइटी की स्टडी की है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इनका डिस्कस करेंगे वो है रिलीजन, जो कि इन्होंने अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में डिस्कस किया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, वो है सुसाइड। इनकी बुक का नाम भी सुसाइड है, जिसमें इन्होंने सुसाइड डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इमाइल दर्खाइम। हम डिस्कस करने वाले हैं इमाइल दर्खाइम। इनका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट। इसे हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक तथ्य। तो आप सभी जानते होंगे कि मॉडर्न फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम इमाइल दर्खाइम को मानते हैं, ठीक है। आधुनिक पिता समाजशास्त्र के कौन कहे जाते हैं? इमाइल दर्खाइम। तो इनके पास जिम्मेदारी थी, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करना। तो इनसे पूछा गया कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, यानी कंटेंट क्या होना चाहिए, या सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। तो इन्होंने जवाब दिया कि सोसाइटी में जो सोशल फैक्ट है वो ही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन मार्क था सब्जेक्ट मैटर पे। तो इसका आंसर देते हुए इन्होंने कहा जो सोशल फैक्ट होंगे, यानी कि सामाजिक तथ्य, ये ही सब्जेक्ट मैटर होंगे, विषय वस्तु होंगे समाजशास्त्र के। तो इनसे पूछा गया ये सोशल फैक्ट है क्या, तो ये बताते हैं कि ये जो सोशल फैक्ट हैं ये थिंग्स हैं, यानी वस्तु हैं। इन्होंने सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य को एक वस्तु की तरह देखा, सोशल फैक्ट को एक थिंग की तरह देखा है। ये कहते हैं सोशल फैक्ट इज द थिंग।
ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि सोशल फैक्ट इज अ थिंग किसने कहा था, इमाइल दर्खाइम ने कहा था। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स बताते हैं, इनके सिर्फ थिंग से तो ये समझ में नहीं आया कि सोशल फैक्ट क्या होता है, तो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी चीजें हैं जिनमें चार एलिमेंट्स होने ही चाहिए, जब ये चारों एलिमेंट्स उनमें होंगे तो वो सोशल फैक्ट होगा। तो वो चार एलिमेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था जनरैलिटी, यानी सामान्य। सेकंड था इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र। थर्ड था कॉन्स्ट्रेनिंग, यानी ये नियंत्रित करेंगे। फोर्थ था एक्सटर्नैलिटी, यानी बाहरी। अब समझते हैं कि ये चार एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं ये जनरल होना चाहिए, यानी सामान्य रूप से हर समाज में पाया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, हर समाज में पाई जाएंगी ये चीजें। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी स्वतंत्र होना चाहिए। ये किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल के बाहर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। अब आप इसको समझ लीजिए, ये कहते हैं सोसाइटी, यानी सोशल फैक्ट सोसाइटी से आया है, इंडिविजुअल से नहीं आया, यानी कलेक्टिव कंसाइंस पे डिपेंड करता है ये, ना कि इंडिविजुअल कंसाइंस पे, यानी कि सामूहिक चेतना पे। समझिए, कलेक्टिव कॉन्साइंस यानी सामूहिक चेतना पे ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंस, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल पे। यानी इंडिविजुअल जिए या मरे, जो सोशल फैक्ट होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, इंडिविजुअल के पहले से थे, इंडिविजुअल के जाने के बाद भी सोसाइटी में सोशल फैक्ट रहेंगे, यानी कि इंडिविजुअल का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इंडिविजुअल चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये कॉन्स्ट्रेनिंग होते हैं, यानी ये लोगों को नियंत्रित करते हैं, समझ गए, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर होता है इन पे, ये करना ही है आपको सोशल फैक्ट, समझ गए। जो सोशल फैक्ट होते हैं ये समाज उनके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो घटित होते हैं समाज में, ठीक। एक्सटर्नैलिटी, बाहर होते हैं, इंडिविजुअल के बाहर होते हैं, वही बात हो गई कि इंडिविजुअल का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए दर्खाइम ने रिगार्डेड एज अ थिंग, सोशल फैक्ट इज अ थिंग, यानी वस्तु। वस्तु क्या होती है? वस्तु के हम अंदर नहीं होते, वस्तु के हम बाहर होते हैं, उसी तरह से ये सब चीजें बाहर घटती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर नहीं घटती, इंडिविजुअल के बाहर घटती हैं, यानी बाहरी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब सोसाइटी आपसे करवाती है ये काम, ठीक, समझ गए। ये चार एलिमेंट्स, अब इसको एक उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए सुसाइड, ये कहते हैं सुसाइड जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी है, यानी समाज शास्त्र का विषय वस्तु है, समाज शास्त्र में सुसाइड को पढ़ा जाना चाहिए। अब कैसे, क्यों पढ़ा जाना चाहिए? तो ये कहते हैं कि सबसे पहली बात, ये जनरल है,
यानी सामान्य है। अब आप देखिए, ऐसा कोई समाज बता दीजिए मुझे जिसमें आत्महत्या ना होती हो। सोचिए, है कोई ऐसा समाज? लगता है कि किसी में आत्महत्या नहीं होती होगी। हर तरह के समाज में किसी ना किसी रूप में आत्महत्या कम या ज्यादा होती है, होती जरूर है, ठीक है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती है। दूसरी बात, इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये समाज से, इंडिविजुअल से स्वतंत्र रहते हैं ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब सुसाइड कैसे इंडिपेंडेंट है? सोचो कि आप कुछ कर सकते हो कि सुसाइड रुक जाए? बिल्कुल, सोसाइटी में मतलब ऐसे बॉटल होती है, उसको ढक्कन बंद कर दो, उल्टा करो तो पानी गिरता है क्या? नहीं गिरता। क्या सुसाइड को आप उस तरह से रोक सकते हो? ऐसा कोई नॉब है, ऐसा कोई रेगुलेटर है जिसको दबा देने से सुसाइड बंद हो जाए समाज में, आत्महत्या करना लोग छोड़ दें? ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट, ये कॉन्स्ट्रेनिंग है। कॉन्स्ट्रेनिंग है मतलब नियंत्रण करने वाला है, फोर्स लगाता है, बलपूर्वक आपको पुश करता है उसकी तरफ। यानी ये कहते हैं कि इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी तरह के मान मतलब साइकोलॉजिकल रीजन या बायोलॉजिकल रीजन से इंडिविजुअल कभी सुसाइड नहीं करता है, उसके सामाजिक रीजन से ये इंडिविजुअल सुसाइड करता है। आत्महत्या का सिद्धांत यानी सुसाइड की थ्योरी में अभी पढ़ाऊंगा, तब और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये सोशल फैक्ट कैसे है। तो कॉन्स्ट्रेनिंग है, ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक इंडिविजुअल को अकेला छोड़ देती है, और इस वजह से जो इंडिविजुअल यानी जो व्यक्ति होता है वो आत्महत्या कर लेता है। समझ गए? तो यानी कि कॉन्स्ट्रेनिंग है, आप किसी चीज के प्रेशर में आके आत्महत्या करते हो, और वो चीज कहां से आती है? समाज की तरफ से आती है। मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, अचानक से बिजनेस कोलैप्स हो गया, नॉर्मलेसनेस हो गई है, ठीक है, मानदंडों की कमी हो गई। तो ये मानदंडों की कमी, नॉर्मलेसनेस कहां से आई? ये समाज से आई, सोसाइटी से आई। सोसाइटी में कुछ ऐसी क्रियाएं हो गई जिससे कि आपका बिजनेस कोलैप्स हो गया, और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस तरह की सिचुएशन को झेल नहीं पाते और क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्स्ट्रेनिंग है। थर्ड, ये एक्सटर्नल है। अब आप सोचिए कि सुसाइड सामने वाला करता है, समझ गए, यानी बाहरी है, बाहरी कारण है आत्महत्या के, कोई अंदरूनी कारण नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं फिजिकली कोई इस तरह का वीकनेस के कारण, ऐसा दरखाइम कहते हैं कि बायोलॉजिकल कोई रीजन नहीं होता है, मानसिक तौर पे इंसान कोई रीजन नहीं होता जिससे कि वो आत्महत्या करे। वो कहते हैं एक्सटर्नल यानी बाहरी जो चीजें होती हैं, आपको सही तरीके से लोग नहीं मिले, एक यूनिटी की कमी रही, इंटीग्रेशन की कमी रही, यानी एकीकृत नहीं हो पाए आप समाज में, इस वजह से आपने आत्महत्या किया, यानी कि ये एक्सटर्नल। तो ये चारों चीजें आ गई, चारों एलिमेंट्स आ गए, तो ये क्या कहलाता है? सुसाइड सोशल फैक्ट कहलाता है। और ये कहते हैं ये सोशल फैक्ट है, इसलिए समाजशास्त्र का ये सब्जेक्ट मैटर है, यानी विषय वस्तु है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। समझ गया कि सोशल फैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये चार एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो कोई भी चीज सोशल फैक्ट हो जाएगी, और हम उसकी स्टडी करेंगे समाजशास्त्र में। ऐसा कहते हैं इमाइल दर्फाइन। अब नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है सॉलिडेरिटी। इसको हिंदी में कहते हैं एकात्मकता, यानी इन्होंने जब डिवीजन ऑफ लेबर की स्टडी की,
यानी श्रम विभाजन। ठीक है, सॉलिडेरिटी यानी एकात्मकता, इन्होंने जब डिवीजन ऑफ लेबर की स्टडी की यानी श्रम विभाजन की का अध्ययन किया, तो इन्होंने देखा कि दो तरह की सॉलिडेरिटी होती है। कौन कौन सी सॉलिडेरिटी होती है? एक होती है मैकेनिकल, जिसे हम कहते हैं यांत्रिकी, और दूसरी होती है ऑर्गेनिक, जिसे हम कहते हैं सावयवी। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी यानी यांत्रिकी एकात्मकता, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी यानी सावयवी आत्मकता। अब समझते हैं कि ये होता क्या है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या होता है। तो ये कहते हैं जो रूरल समाज होता है यानी यानी ग्रामीण समाज, और जो अर्बन समाज होता है यानी शहरी। ठीक है, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी। तो ये कहते हैं रूरल सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है और अर्बन सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होती है। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी क्यों होती है? ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी, और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्यों होती है? ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ये कहते हैं ग्रामीण जगह पे जाओगे आप, ग्रामीण समाज में जाओगे या रूरल सोसाइटी में जाओगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर पाए जाते हैं, समझ गए। वहां पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें नहीं होती, जैसे वैद्य है तो वह एग्रीकल्चर का भी काम करता है, वैद्य भी बना रहता है, समय आने पर वो डॉक्टर बन जाता है, समय आने पर वो कृषि का भी काम कर लेता है। वहां पर स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है, तो वहां पर क्या होता है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है। लोग आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, अच्छे से घुले मिले होते हैं। ठीक है, टीवी का चलन बहुत ज्यादा नहीं होता है, मोबाइल का चलन बहुत ज्यादा नहीं होता, लोग आपस में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। आपस में सौहार्द बहुत ज्यादा होता है, यानी ब्रदरहुड फीलिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पे। अब अर्बन समाज यानी कि शहरी समाज यानी अर्बन सोसाइटी, यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी यानी सावयवी समाज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां पे डिफरेंसेस लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं, लोग इंडिविजुअलाइजेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी व्यक्तिगत प्राइवेसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं। यहाँ आपने देखा होगा, आप दिल्ली शहर में रहते होंगे, दिल्ली में, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज जो होती हैं, यहाँ पे एक फ्लोर पे बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हैं। दो दो तीन तीन साल बीत जाता है लोगों को, आपस में रहते हैं अगल बगल लेकिन लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते। वो क्या होता है, वो होता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, समझ गए। यहाँ पे डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटी ज्यादा होती है, ये ऐसे मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजन। देखो बहुत छोटे छोटे मैं समझा रहा हूं क्योंकि सिर्फ इतने की ही जरूरत है यूजीसी नेट में क्वेश्चंस का सही आंसर टिक करने के लिए। तो दर्खाइम कहते हैं कि रिलीजन क्या है, ये कहते हैं कि ये सोसाइटी है, यानी जब आप किसी गॉड की पूजा करते हैं, आप किसी धर्म में बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब आप सोसाइटी की ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं सोसाइटी स्वी जेनेरिस, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही याद रखना है कि समाज क्या होता है, स्वी जेनेरिस होता है। किसने कहा था? इमाइल दर्खाइम ने कहा था। ठीक है, तो ये कहते हैं सोसाइटी के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सेक्रेट, सेकंड होता है प्रोफेन। सेक्रेट मतलब पवित्र और प्रोफेन मतलब अपवित्र। ठीक है, ये कहते हैं कि सोसाइटी के दो पार्ट होते हैं,
एक सैक्रेड, दूसरा प्रोफेन यानी अपवित्र और पवित्र। अब इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में दूध लाते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी 16 सोमवार का उपवास रखती हैं, तो क्या होता है संडे की रात में जब दूध आता है तो मम्मी क्या करती हैं, सबसे पहले दूध का थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके अलग रख देती हैं, बाकी का जो हिस्सा होता है वो हमारे यूज के लिए रख देती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं जो वो मिल्क होता है जिसको अलग करके रख दिया जाता है, ठीक है, ये जो मिल्क होता है ये सेक्रेड होता है, और ये जो मिल्क होता है ये प्रोफेन होता है, और इसको हम यूज करते हैं और इसको हम पूजा में कर यूज करते हैं, समझ गए, पूजा करते हैं इससे, ठीक है, समझ में आया। तो ये कहते हैं ये जो पार्ट होता है ये सेक्रेड होता है और ये जो पार्ट होता है ये प्रोफेन होता है, होती समाज की चीजें हैं, ठीक है, समाज ने ही भगवान को बनाया, भगवान की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगा, वो कहने लगा कि इसमें पावर है, जबकि ये कहते हैं कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी ही, आप भगवान को देखेंगे तो भगवान किस रूप में नजर आता है, मानव रूप में ही नजर आता है, जिस तरह इंसान है जिस तरह उसी रूप में उसको हम पूजते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी अपने आप को ही पूजती है, समझ गए। तो इन्होंने सेक्रेड और प्रोफेन रिलीजन को दो भाग में डिवाइड किया था। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट हम जो हमें इलेबोरेट तरीके से डिस्कस करना था वो है सोसाइट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सोसाइट सोशल फैक्ट है, रिलीजन भी सोशल फैक्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर भी सोशल फैक्ट है। अब ये आप देख लीजिएगा कि जो चार एलिमेंट्स मैंने दिए हैं वो इनको फॉलो करते हैं कि नहीं, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हाँ ये तो सोशल फैक्ट है। तो सोसाइट जो है वो सोशल फैक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का। तो इन्होंने बहुत इलेबोरेटली सोसाइट को अपनी बुक सोसाइट में ही डिस्कस किया है। तो ये चार तरह की सोसाइट बताते हैं, ठीक है। सबसे पहली ये कहते हैं इगोइस्टिक, सेकंड ये कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक, थर्ड ये कहते हैं अनॉमिक, और फोर्थ ये कहते हैं फैटलिस्टिक। इगोइस्टिक हिंदी में कहते हैं अहमवादी, एल्ट्रुइस्टिक ये कहते हैं परोपकारी, अनॉमिक ये कहते हैं मानदंड हीनता, और नेक्स्ट है फैटलिस्टिक, ठीक है। अब आप समझिए कि इगोइस्टिक सोसाइटी क्या होती है। तो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि सोसाइटी इंटीग्रेशन, लेस इंटीग्रेशन और डिस इंटीग्रेशन के कारण होती है, यानी कि एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन या एकीकरण जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के लिए। अब ये कहते हैं कि कैसे कह सकते हैं आपकी इंटीग्रेशन जो है एकीकरण है कैसे रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के लिए। तो ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे समाज की स्टडी की, ठीक है, सबसे पहली जो स्टडी थी इनकी वो थी कैल्विनिस्ट और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने वहां पे सर्वे किया तो इन्होंने देखा कि यहां पे सुसाइड कम था, यहां पे सुसाइड रेट हाई था, ठीक है, यानी कैल्विनिस्ट जो थे वो कम प्रोन थे सुसाइड को लेकर के, मतलब वो सुसाइड आत्महत्या बहुत कम करते थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे इनमें जो लोग थे इनमें आत्महत्या का दर कुछ ज्यादा था। तो इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों है, तो इन्होंने देखा कि यहां पे प्राइवेसी, इंडिविजुअलाइजेशन, कुछ ज्यादा ही था, लोग एक दूसरे से कई कई दिनों तक मिलते नहीं थे,
आपस में मेल जोल बहुत कम था प्रोटेस्टेंट्स में, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये सोशलिस्ट सोसाइटी थी। तो कैल्विनिस्ट में क्या था कि लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते थे, ठीक है, जो भी फंक्शंस होते थे उनको साथ में मिल के सेलिब्रेट करते थे, तीज त्योहार मनाते थे। लेकिन जो ये प्रोटेस्टेंट थे ये एकांतवादी थे, तो एकांतवादी लोग ये कहते हैं ज्यादा सुसाइड करते हैं, समझ गए? इनमें इंटीग्रेशन की कमी थी। एकांतवाद याने क्या? आपके पास लोगों की कमी है, ठीक है। ये कहते हैं मॉरली भी, जो मॉरल इंटीग्रेशन या फिजिकल इंटीग्रेशन, ये कहते हैं दोनों की कमी थी प्रोटेस्टेंट्स में, तो इनमें रेट सुसाइड का ज्यादा था। अब इन्होंने आगे स्टडी की, इन्होंने देखा कि मैरिड पर्सन जो है भाई वो कम सुसाइड करते हैं, अनमैरिड पर्सन ज्यादा सुसाइड करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं वो कम सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास कम बच्चे हैं वो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इन्होंने देखा रूरल बैकग्राउंड में सुसाइड कम होती है और अर्बन बैकग्राउंड के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, ज्यादा दर होती है आत्महत्या की उधर पे, और यहां पे आत्महत्या की दर कम होती है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है ये जवाबदार, समझ गया कि इंटीग्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के लिए। तो ये कहते हैं इगोइस्टिक सुसाइड क्यों होती है? क्योंकि इंटीग्रेशन कम होता है, ठीक है। आपका कोई, इसे हम क्या कहते हैं, अहमवादी, आपका जब अहम सामने आ जाता है, यानी ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इनटू सोशल ग्रुप, जब आप सोशल ग्रुप में, सामाजिक समूह में बहुत ज्यादा एकीकृत नहीं होते हैं, लेस इंटीग्रेशन है होता है आपका, पार्टिसिपेशन कम होता है, तो जो सुसाइड होती है उसे इगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं, ठीक। ये कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या होता है, यानी परोपकारी आत्महत्या क्या होती है? तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ओवर इंटीग्रेशन के कारण होती है, ये कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इगोइस्टिक सुसाइड मतलब लेस इंटीग्रेशन, यानी कि कम एकीकरण के कारण, निम्न एकीकरण के कारण, और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड मतलब ओवर इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा जब एकात्मकता बढ़ जाती है तब आदमी जब सुसाइड करता है तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है। जब दो देशों के बीच में आप देखिएगा लड़ाई होती है, दो दुश्मन देश जब आपस में लड़ते हैं तो हर अपने अपने देश के लिए लोग यूनाइट हो जाते हैं, अपने आपसी मतभेद को भूल करके लोग लड़ते हैं। और क्या होता है, प्रेशर होता है, यानी ओवर इंटीग्रेशन। तो इसको आप, अब्दुल हमीद की एक कहानी है मैं आपको बताता हूं, उसको आप याद समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी क्या होता है। तो जो अब्दुल हमीद थे वो एक फौजी थे और हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, तो जब उनके पास गोली हथियार खत्म हो गए तो जो टैंक्स थे उनको गोली से नहीं उड़ाया जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, माइंस अपने शरीर पर बांधी और दौड़ लगा करके जाके टैंक्स के नीचे लेट गए, तो वो टैंक्स फट गए, समझ गए। तो ये इतनी शक्ति उनके पास कहां से आई, उनके पास ये शक्ति आई, ये जज्बा कैसे आया, देश, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ था। मतलब क्या, ओवर इंटीग्रेशन, मॉरल डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, समझ गए। तो इसके वशीभूत होकर के जो फौजी होता है वो आन बान के लिए, अपने देश के लिए लड़ जाता है और मर जाता है, समझ गए। गोली खाने से भी डरता है, क्यों, ओवर इंटीग्रेशन, मॉरल डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं इस तरह की आत्महत्या को परोपकारी या सुसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है एनोमिक सुसाइड। तो एनोमिक सुसाइड को मानदंडहीन आत्महत्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मलेसनेस आ जाती है सोसाइटी में, ठीक है, यानी नॉर्म्स की कमी हो जाती है सोसाइटी में, यानी लेस इंटीग्रेशन का ही ये एक रूप है, एक प्रकार है, ठीक है। लेस इंटीग्रेशन हो जाता है तो जब आदमी आत्महत्या करता है उसे हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं। फैटलिस्टिक सुसाइड क्या होती है, फैटलिस्टिक सुसाइड को हिंदी में भी फैटलिस्टिक सुसाइड ही कहा जाता है। तो फैटलिस्टिक सुसाइड ये कहते हैं तब होता है जब डिसिप्लिन यानी अनुशासन बहुत ज्यादा जब इम्पोज करते हैं किसी इंसान पे, लागू करते हैं, तो वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं और वो अल्टीमेटली आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गंतानामो जो प्रिजन था,
ठीक है, जो यूएस चला रही थी गंतानामो बे पे, जिसमें जो कैदी हुआ करते थे उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। इस हद तक टॉर्चर किया जाता था कि वो सोचते थे कि यार इससे अच्छा हम आत्महत्या कर लें, ऐसे जीने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। ठीक है, तो वो सुसाइड जो ये कहते हैं, इसे कहते हैं फेटलिस्टिक सुसाइड। ठीक है, समझ गए आत्महत्या। अब समझ में आ गया अच्छी तरह से कि कैसे आप जैसे कोई सुसाइड करता है तो वो जिम्मेदार नहीं होता है सुसाइड के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बता देता हूं जो मिस हो गई है। सोशल फैक्ट भी इन्होंने बताया दो तरह के होते हैं, होता है नॉर्मल यानी सामान्य, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। हिंदी में इसे कहते हैं व्याधि की है। ठीक है, नॉर्मल यानी सामान्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट्स सामान्य सामाजिक तथ्य, और व्याधि की सामाजिक तथ्य यानी कि पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो कहते हैं कि जब सोशल फैक्ट नॉर्मल यानी समझ लीजिए क्राइम, क्राइम को भी दरखाइम कहते हैं कि ये एक सोशल फैक्ट है और समाजशास्त्र में इसकी स्टडी होनी चाहिए, इसका अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, वो चारों एलिमेंट्स को फॉलो करता है, ऐसा कहते हैं इमाइल दरखाइम। तो अब समझिए कि नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट क्या होता है। ये कहते हैं क्राइम यानी गुनाह, जब गुनाह की दर समाज में एक सीमित स्तर पे होती है, ठीक है, यानी सामान्य स्तर पे होती है, तो उससे समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो वो कहते हैं क्या, तब ये क्या होता है, नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है। ठीक है, और जब ये एबनॉर्मल रेट हो जाए, समझ लीजिए असामान्य तौर पे अधिक क्राइम होने लग जाए, गुनाह होने लग जाए समाज में, तो उसको ये क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। समझ गए, यानी कि समाज में जब सोशल फैक्ट का स्तर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, तो वो नॉर्मल सोशल फैक्ट है, और जब उसका स्तर अत्यधिक बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ठीक है, यानी तालिबान सोसाइटी में आप देखिएगा क्राइम बहुत ज्यादा है, बहुत हाई लेवल का क्राइम है, यानी क्या है, वहां पे पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है। और जो नॉर्मल सोसाइटी होती है, ऐसा नहीं होता, कोई भी समाज ऐसा नहीं होता है जहां पे कि क्राइम हो ही ना। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। मतलब क्राइम को ये कहते हैं अलार्म है, एक तरह का अलार्म है। ये बोलते हैं क्राइम अच्छा भी होता है, क्योंकि क्राइम अगर बैलेंस रहता है तो सोसाइटी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सोसाइटी के लिए पैथोलॉजिकल हो जाता है, यानी व्याधि की हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यह भी याद रखना है कि कंपेरेटिव मेथड जो है सोशियोलॉजी में इन्होंने यूज किया है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी को कंपेयर किया है। ठीक है, अपना कंपेरेटिव मेथड का यूज करके, और ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करते हैं, कलेक्टिव कॉन्साइंस पे बिलीव करते हैं, याद रखना। ठीक है,